ग्राहक के अंगूठे से पैसा निकालने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, लेकिन कुछ गिने चुने ऐप हैं जिसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूं। आपको इस ऐप में दिखाऊंगा कि कैसे ग्राहक के अंगूठे से पैसा निकाला जाता है, कैसे उसका मिनी स्टेटमेंट निकाला जाता है या कैसे बैलेंस इंक्वायरी किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से पेनियर बाई एप्लीकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से ओपन करेंगे, परमिशन देंगे। ये 11% एक्स्ट्रा अर्निंग ये प्रचार दिया है, इसको हम कट करेंगे। उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करेंगे और कंटिन्यू इन इंग्लिश इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से लॉग इन टू योर अकाउंट इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे और लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ फिल करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पूरा डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ से आप UPI QR देख सकते हैं, अपना ये QR है। ये QR अपना आप दुकान में लगा सकते हैं। जब कस्टमर इसको स्कैन करके पेमेंट करेगा तो ये आपके वॉलेट में रहेगा, ना कि अकाउंट में जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको बेच जाएंगे। यहाँ से आधार पे कर सकते हैं, कस्टमर खाता यहाँ से नोट कर सकते हैं, यहाँ से आधार विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, माइक्रो ATM से ATM कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको एक बैलेंस इंक्वायरी करके दिखाएंगे। तो हम बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चाहे तो आप यहाँ इस QR स्कैन करके यहाँ आधार नंबर आ जाएगा। चलिए हम यहाँ अपना आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना बैंक चूज़ करेंगे, किस बैंक का हम बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, जैसे कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करेंगे, इसको चूज़ करेंगे। यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ आपका डिवाइस आ जाएगा, कौन सा डिवाइस आपके मोबाइल से अटैच है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा यहाँ पे जो है इस पे लाइट आ गया है, मोर्फो फिंगरप्रिंट पे लाइट आ गया है। उस पर हम अपना फिंगर रखेंगे और स्कैन करेंगे। मेरा फिंगर सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया है और यहाँ मेरा प्रोसेसिंग चल रहा है। यहाँ अभी मुझे अपना बैलेंस चेक करा के दिखाएगा। देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है वो यहाँ दिखाएगा। मेरा अवेलेबल बैलेंस 7961.22 रुपया है। हम यहाँ गेट मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करके अपना स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम गेट मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पूरा आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। देखिए मेरा यहाँ मिनी स्टेटमेंट सक्सेसफुल निकल चुका है। देखिए आठ यहाँ डेट बाई डेट, तारीख बाई तारीख, कितना कहाँ खर्च किए हैं, कितना निकाले हैं, कितना इसमें डाले हैं, वो पूरा यहाँ हिस्ट्री आ जाएगा। उसके बाद चाहे तो आप यहाँ से विड्रो पे क्लिक करके आप इसमें से पैसा निकाल भी सकते हैं। जैसे कि मुझे 100 रुपया निकालना है तो हम यहाँ 100 रुपया डालेंगे, यहाँ से अपना आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना डिवाइस चूज़ कर लेंगे, कौन सा डिवाइस अपना मोबाइल से अटैच करके रखें। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मेरा फिंगर में लाइट आ गया है, हम यहाँ अपना थम्स देंगे। उसके बाद देखिए थम्स मेरा यहाँ सक्सेसफुली ले चुका है। Transaction was successful. 100 rupees has been debited from your State Bank of India. देखिए मुझे यहाँ वॉइस अलर्ट भी मिल चुका है, 100 रुपया मेरे यहाँ से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका, जो मेरे अकाउंट से कट हो गया और यहाँ वॉलेट में आकर के से ये ऐड होकर के रहेगा। उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ आएंगे, यहाँ वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ट्रेड बैलेंस में 100.95 रुपया दिखा रहा है। आप यहाँ से मूव पे क्लिक करेंगे और यहाँ कितना आपको मूव करना है, जैसे कि मुझे 100 टका करना है तो 100 टका करेंगे। उसके बाद यहाँ बैंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना IMPS चूज़ कर लेंगे और जो बैंक अपना लिंक किया हुआ है वो बैंक उस बैंक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद कंफर्म ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पैसा आपके अकाउंट में दोबारा फिर चल जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।